शिवपाल ने जब ओपी राजभर को तेवर दिखाए, राजनीति से आउट करने का प्रण ले लिया। अब ओपी राजभर के बेटे पिता के लिए शिवपाल से लड़ने को तैयार, कर दिया बड़ा प्रहार। शुरू से लेकर अंत तक शिवपाल के साथ अखिलेश ने क्या किया, याद दिलाई तो कहने वाले कह रहे हैं लड़ाई तो लंबी चलेगी। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने पहले सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव को छेड़ा तो शिवपाल भड़क गए, आन का सवाल मान लिया। फिर उन्होंने ओपी राजभर को अपनी भाषा में अपनी बात बता दी, लेकिन शिवपाल की भाषा ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर के दिल को लग गई। ठेस पहुंची तो उन्होंने शिवपाल की सियासत पर अपना तीखा विश्लेषण दे दिया, जो शिवपाल को ना तो अच्छा लगेगा, ना ही अखिलेश को पसंद आएगा और ना ही शिवपाल के समर्थकों को। दरअसल पिछले दिनों महाराष्ट्र में हुई राजनीतिक सरगर्मी के बीच ओपी राजभर ने दावा किया था कि सपा के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। इस पर शिवपाल यादव ने पिछले दिनों करारा हमला बोला, कह दिया कि ओपी राजभर की दुकान चुनावों के समय सज जाती है, उनके बारे में क्या कहा जाए। शिवपाल यादव के इस बयान पर अब ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर का बयान सामने आया। अरुण ने शिवपाल यादव के समाजवादी पार्टी से बाहर जाने, अपनी पार्टी बनाने से लेकर वापस आने के बाद उचित सम्मान तक नहीं मिल पाने का मामला उठा दिया। अब इस पर राजनीति गर्मा गई है। सुभाषपा अध्यक्ष ओम राजभर के बेटे और पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर सपा राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव पर अपने शब्दों से पूरी किताब ही लिख दी। अरुण ने ट्वीट में तंज कसते हुए कहा कि चाचा शिवपाल यादव बहुत ताकतवर थे, अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया नाम की दुकान खोलकर बैठे थे, चल नहीं पाई तो बंद कर दिए, खुद वजूद अपना मिटाकर जहां से जलील हुए वहीं चले गए। अरुण यहीं नहीं रुके, आगे लिखते हैं, अपनी पार्टी बनाई, अपनी ताकत को परखा, फिर जिस भतीजे ने जलील किया था, अपमानित किया था, धक्का मारकर भगाया था, अपनी ताकत खत्म होती देख फिर से सपा के साथ चले गए, और तो और जिस उम्मीद और लालच में गए थे भतीजे ने चाचा की ताकत बता दी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव की सपा में स्थिति पर तंज कसते हुए अरुण राजभर ने कहा, भंग प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के पदाधिकारियों को सम्मान नहीं मिला, सपा उनको भाजपा की बी टीम तक कहती रही है, अपने लोगों को उचित सम्मान दिला पाने में नाकाम रहने वाले नेता अब सुभाषपा सुप्रीमो को हल्का बता रहे हैं। चाचा बहुत हल्के हो चुके हैं, ओपी राजभर का खुद का अपना वजूद है, अपनी हैसियत है। अरुण राजभर ने समाजवादी पार्टी का वो ज्ञापन भी जारी किया जिसमें कहा गया था कि शिवपाल यादव जी, अगर आपको लगता है कि कहीं ज्यादा सम्मान मिलेगा तो वहां जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। राष्ट्रपति चुनाव में सपा के समर्थक वाले उम्मीदवार की जगह शिवपाल ने भाजपा समर्थक उम्मीदवार और वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन दे दिया था। इस पर तीखी टिप्पणी करते हुए अरुण ने कहा कि शिवपाल यादव सम्मान दूसरी जगह दिलाने के लिए चिट्ठी लिखते थे, जिस सम्मान को लेने गए आज तक वो सम्मान नहीं मिल पाया, न मिलेगा। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ही अखिलेश और शिवपाल का टकराव खत्म हुआ। ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर का सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव पर यह पलटवार उस वार का जवाब है जिसमें शिवपाल ने ओपी राजभर पर निशाना साधा था। शिवपाल के पास एक सवाल आया कि सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर दावा कर रहे हैं सपा के बहुत से विधायक उनके संपर्क में हैं। जवाब में शिवपाल ने कहा कि हम उन्हें अच्छी तरह जानते हैं, वो हमेशा से बीजेपी के संपर्क में रहे हैं, वो कभी भाजपा से अलग थे ही नहीं, हमेशा बोलते ही रहते हैं, जब चुनाव आते हैं तो उनकी दुकान फिर से चलनी शुरू हो जाती है। शिवपाल यादव ने दावा किया कि मैं ओपी राजभर के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जहूराबाद का सिर्फ एक बार दौरा करूंगा और उन्हें अगला चुनाव लड़ने के लिए नया विधानसभा क्षेत्र ढूंढना पड़ेगा, वो काफी हल्के हो चुके हैं।